मित्रों, समस्याएं उतनी ताकतवर कभी नहीं हो सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। मित्रों, कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के बारे में। यू नाम वाले लोगों के चार महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है, आपके मित्र का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है, आपके किसी संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है, तो आप ये वीडियो देख व सुन सकते हैं। यानी आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। यानी जिनका भी नाम अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है उनके लिए ये वीडियो है, वो इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यू नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, उसके बाद यू नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यू नाम वाले कैसे होते हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक होता है, शौकीन स्वभाव के होते हैं और आज़ाद किस्म के होते हैं, यानी कि आज़ाद ख्यालों के, और इनको बंदी से पसंद नहीं होती हैं। अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते हैं आसानी से, और इन्हें कोई रोक टोक करे बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है। हमेशा अपने मन की करना चाहते हैं, अधिक सौंदर्य प्रेमी और अधिक कला प्रेमी होते हैं, कहना चाहिए अपने मन के राजा होते हैं। ये अपने ही बनाए उसूलों पर अपना जीवन चलाते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, इनमें बहुत धैर्य होता है, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्रोधित हो गए तो फिर ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, फिर सरलता से काबू में नहीं आते हैं, अपने कामों को धीरे धीरे से सब्र के साथ समाप्त करते हैं। ये अपनी शक्ति को व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं और आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते हैं, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सब प्रकार के भौतिक साधनों का उपभोग करने के लिए लालायित रहते हैं। कई बार इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है, यानी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, और कोई कार्य आरंभ करें तो पूर्ण करके ही दम लेते हैं। इनके जीवन में यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और इनका स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। जमीन से जुड़े लोग होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। एक बार कुछ करने की ठान लें तो उसे करके ही दम लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये डगमगाते नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व से ही आपको परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी होने का भाव प्रदर्शित होता दिखेगा और अपनी योग्यता के दम पर ही ये सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक मान सम्मान पाने के सारे गुण इनमें मौजूद होते हैं और ये लोग कभी कभी स्वभाव से ज़्यादा जिद्दी भी हो सकते हैं। किसी काम को करने या किसी चीज़ को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डालती है और इनके जिद्दी रवैये के कारण कुछ लोग इनको कई बार अहंकारी भी मानने लगते हैं। तो कुछ इस तरह के हो सकते हैं यू नाम वाले। चलिए मित्रों, अब यू नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो आपके राशिफल में, यू नाम वाले लोगों के राशिफल में सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इन चार महीनों में। धन और आय के मामले में आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए इन चार महीनों में, क्योंकि आप देखेंगे आय के मामले में खासकर सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा वहां पर आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे, और वहां पर कोई ना कोई अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर या घरेलू किसी कार्य के चलते। आप देखेंगे सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जब आपको अचानक कोई ना कोई खर्च परेशान कर सकते हैं, और ये पोजीशन जो है नवंबर और दिसंबर में भी बदलने वाली नहीं है, वहाँ पर भी आपको ये बना ही रहेगा कि आपको अचानक खर्चे कोई ना कोई हो सकते हैं। इसलिए लगभग चारों महीने स्थिति रहेगी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा रहेगी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में भी बनी ही रहेगी।
और नवंबर और दिसंबर का ऐसा महीना होगा जब आपको कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है, लेकिन अचानक खर्चों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक के जो ये चार महीने होंगे, यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी आय होती रहेगी लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। जितनी आय होगी खर्चे उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। धन के मामले में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य कर पाएंगे आप। सहयोगियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, बॉस के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे, वहाँ पर आपकी नियमित आय भी होती रहेगी और आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे और कोई ना कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। बस आपको थोड़ा सा गलतफहमियों से बचना है, अपने बॉस के साथ संबंध मधुर रखने हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आपको संबंधों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है अपने बॉस के साथ और अपने सहयोगियों के साथ। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। व्यापारियों की बात करें तो अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो मशीनरी से जुड़ा हुआ है, लोहे का कोई कार्य ऐसा है, वहाँ पर आप कोई सेल परचेज करते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य है जो आपका केमिकल से है, माइंस है, पेट्रोलियम है, बिल्डिंग मटेरियल का कोई सामान है, हार्डवेयर का कोई काम है, इस तरह के कोई भी कार्य हैं, तो इन चार महीनों में आप देखेंगे कि आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में यहां पर आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। और कोई दूसरे कारोबार हैं तो वहां पर भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। तो आपके लिए व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, कोई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, जैसे मेडिकल स्टोर चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी प्रकार का चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए आपका अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप में उत्साह भी देखने को मिलेगा, ऊर्जावान भी रहेंगे, अपने कार्यों में मेहनत भी करेंगे और सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा। खासकर आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध मधुर रखने हैं और अपने बड़े भाई बहनों के साथ और बुजुर्गों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। इसका आपको चारों महीने ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। और जो संबंध मैंने बताए हैं, इन संबंधों में कोई ना कोई छोटे मोटे वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको अवश्य ही ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर कोई ना कोई समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। खासकर अगर हम देखें तो 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक का जो समय है, यहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य में समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और वहाँ पर अगर कोई नई स्वास्थ्य समस्या भी होती है तो भी आपको ध्यान रखना है, और पुरानी स्वास्थ्य समस्या अगर कोई चल रही है तो उसका भी ध्यान रखना है, और अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। और स्वास्थ्य के मामले में सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो आपको सामान्य परिणाम ही दिखाएगा। तो कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल कोताही ना बरतें, लेकिन सामान्य परिणाम आपको मिल जाएंगे। और जो समय मैंने बतलाया है उसमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। बात करें शिक्षा की, शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो शिक्षा के मामले में आपको चारों महीने बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखकर चलना है, अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें। खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जब आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप विद्यार्थी हैं
तो आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो वहाँ पर अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार कारोबार है, आप अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं, आपको परिणाम बेहतर मिल जाएंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर आप में तनाव देखा जा सकता है और इसलिए वहाँ पर आपके शिक्षा में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। तो एकाग्रता बनाकर रखें, अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं, इस बात का ध्यान रखें, खासकर नवंबर और दिसंबर के समय में। बात करें वैवाहिक संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और आप देखेंगे वहां पर संबंधों में मधुरता ज़्यादा देखने को मिलेगी और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और वैवाहिक संबंधों में अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, आपके जीवन साथी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपके जीवन साथी को पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसको 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर अगर बीपी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में इन 4 महीनों में ये जो समय मैंने बताया है 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का, यहाँ पर अपने खान पान का भी ध्यान रखना आवश्यक है और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है और अगर पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखकर चलें। अपने जीवन साथी के बारे में ये बातें मैंने कही हैं कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। 4 महीने बेहतर हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और जीवन साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। विवाह से अलग कोई प्रेम संबंध है, इस कारण अगर कोई वाद विवाद है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। और वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है आपके वाद विवाद समाप्त करने के लिए। और वैसे अगर हम देखें किसी भी प्रकार का कोई और वाद विवाद है, कुछ भी किसी प्रकार का वाद विवाद है तो 4 महीने आप प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद समाप्त होंगे। आपको सच्चाई से प्रयास करना होगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा, अपने साथी से डायरेक्ट बात करनी होगी और जिन बातों को लेकर भी आपका मनमुटाव हुआ है उनको सच्चाई से सुलझाना होगा और संबंधों में ईमानदार रहना होगा, तभी आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थोड़ा सा आपको वाणी पर भी संयम रखना है और गलतफहमियों और शंकाओं से भी बचना है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो इसका ध्यान रखकर चलना है। वहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर संयमित रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में भी जो ये 4 महीने हैं वो आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। 4 महीनों में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। सितंबर के महीने में आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का जो समय होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे और रोमांटिक समय भी रहेगा और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ समय भी गुजारेंगे, अगर नए प्रेम संबंध हैं काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और पुराने प्रेम संबंध हैं तो रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, सितंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है, बाकी समय आपको अच्छा परिणाम दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं यू नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में। चलिए मित्रों, यू नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाएं, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, यानी गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खिला सकते हैं। अगर आटे की लोई खिलाते हैं तो कम से कम 5 आटे की लोई बनाएं और उसमें चीनी और मिश्री भरें और गाय को खिला दें। मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये आप उपाय कर लें मित्रों, 4 महीने लगातार करें और आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल यू नाम वाले लोगों का सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।